Good morning students, in 10th class learning video. हम लोग चैप्टर वन स्टार्ट कर चुके हैं और हमने पिछली वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के तीन क्वेश्चन किए थे. फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री सीखा था. मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा. सेकंड क्वेश्चन में हमने आपको एचसीएफ और एलसीएम लेना सिखाया था. अभी तक किसी बच्चे की कोई क्वेरीज नहीं आई है, इसका मतलब हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शायद आपको एचसीएफ एलसीएम इस नए तरीके से निकालना समझ में आ गया. एचसीएफ में हमने आपको बताया था कॉमन नंबर, नाम है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन नंबर लेकिन पावर लोएस्ट. और एलसीएम में हमने आपको बताया था एवरी नंबर, नाम है एलसीएम यानी कि लोएस्ट लेकिन पावर लेनी है सबकी हाईएस्ट. ठीक है, और फिर हमने इस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन भी किया था और एक फॉर्मूला बनाया था कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. फिर हमने थर्ड क्वेश्चन में ओनली एचसीएफ एलसीएम निकाला लेकिन वेरिफिकेशन नहीं था. अब हम 1.2 का ही फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं. आज हम लोग 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं. देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि आपको इस क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है. देखिए एचसीएफ दिया हुआ है, वन नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, वो एलसीएम पूछ रहा है. ठीक है, अब मैं कल वाले ही सेकंड क्वेश्चन पर फिर से चलता हूं वेरिफिकेशन में और एक हेडिंग लिखता हूं, वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. देखिए आपने कल इस क्वेश्चन को किया था, वेरीफाई भी किया था, जो एचसीएफ और एलसीएम आए थे उनकी मल्टीप्लाई करी थी और जिन दो नंबरों का आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला था उनकी मल्टीप्लाई करी थी. ये दोनों आंसर सेम आए थे. ठीक है, अब ये लिखा हुआ है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह ऐसे भी लिख सकता हूं. देखिए क्या, वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर. ये देखिए एक ही बात है, वही वन नंबर और अदर नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, टू नंबर. अब देखते हैं इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज मालूम है. एचसीएफ 9, तो मैं एचसीएफ के नीचे 9 लिख रहा हूं. एलसीएम मुझे फाइंड करना है तो ऐसा वैसा, वन नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 306 और अदर नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 657. ठीक है, अब मुझे एलसीएम निकालना है. तो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 306 इंटू 657 और डिवाइड में कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा. ये देखिए, ठीक है, अब ये 9 डिवाइड में चला गया. अब ये 306 9 से कटता है, 9 मुझे कैसे पता चला कटता है भैया, 6 प्लस 0 प्लस 3 तीनों को प्लस करके देखो, तो जो इन तीनों को प्लस करके अगर 9 से कटता है तो यानी कि ये नंबर भी 9 से कटता है. तो 9 3 27, 9 4 36. अब कैसे निकालेंगे एलसीएम, 657 को 34 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 7 28 2 2 6 7 9 8 3 3 2 1, आंसर आ गया 1 2 3 3 8. ठीक है, मल्टीप्लाई चेक कर लेना, कोई मिस्टेक होगी तो ठीक कर. अब देखिए यहां से जरूरी नहीं है कि वो आपसे हमेशा एलसीएम पूछेगा, क्या पता आपको एचसीएफ भी दे दे, एलसीएम भी दे दे, वन नंबर भी दे दे और आपसे क्या पूछ ले, अदर नंबर पूछ ले. तो अदर नंबर निकालने के लिए आपको इस वन नंबर को कहां लाना पड़ेगा, डिवाइड में लाना पड़ेगा. ठीक है, तो अदर नंबर आ जाएगा एलसीएम, वन नंबर अदर नंबर पता होगा, एचसीएफ निकालना होगा, एलसीएम डिवाइड में चला जाएगा. यानी कि इन चारों में से आपको अगर 3 की वैल्यू पता होगी तो चौथा आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं. जरूरी नहीं है कि वो आपसे एलसीएम पूछे, इन चारों में से 3 आंसर देकर वो आपसे कोई सी भी चौथी टर्म पूछ सकता है. तो ये फॉर्मूला अच्छे से आपने वेरीफाई किया था सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन अपने माइंड में लर्न कर लीजिए एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल वन नंबर इनटू अदर नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. एक ही बात है, चाहे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख दो चाहे वन नंबर इनटू अदर नंबर. समझ में आ गया. सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई किए हुए फॉर्मूले के बेस पर हमने इस क्वेश्चन को
कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। जरा ध्यान से फिफ्थ की लैंग्वेज पढ़िए आप, एक बार आप पढ़िए फिर मैं तो पढ़ता ही हूँ, एक बार आप पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन नंबर फाइव की लैंग्वेज। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिक्स टू द पावर एन। अब जरा ध्यान से सुनना, कह रहे हैं चेक वेदर सिक्स टू द पावर एन कैन एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहा तो कुछ समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, लेकिन फिर से दोबारा पढ़ते हैं। सिक्स टू द पावर एन में चेक करना है, चेक वेदर है या नहीं है सिक्स टू द पावर कैन एंड विद डिजिट जीरो। अगर मैं, और ये एन कौन है, एनी नेचुरल नंबर, तो अगर मैं एन की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लिख दू और उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करूं तो पूछ रहा है कि एन डिजिट जीरो आएगी या नहीं आएगी। आइए करके देखते हैं। नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं तो मैं सिक्स की पावर वन करके देखता हूं, क्या आंसर आया सिक्स। क्या एन डिजिट जीरो आई, नहीं, कोई भी एन डिजिट जीरो नहीं आई, कोई बात नहीं। सिक्स की पावर टू करके देखते हैं, सिक्स की पावर टू कितना होता है 36। क्या एन डिजिट जीरो आई, नहीं आई। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें और उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करें तो जो n डिजिट है वो n डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अभी तक तो आ रही थी, 6 की पावर 3 करके देखते हैं 216। क्या n डिजिट 0 आए, आप 6 की पावर 10 करके देख लो, 5 करके देख लो, 6 की पावर 10 करके देख लो, 6 को 10 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, तब भी एन डिजिट में 0 नहीं आएगा। तो पूछ रहे कि आएगा या नहीं आएगा, चेक करके बताओ। अब कब आएगा, आइए इसे छोड़िए, एक चीज और देखिए, ये देखिए पहले लिखा था 6 की पावर है, ध्यान से समझना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अब मैंने लिखा 60 की पावर है, ठीक है, चलिए क्या करते हैं 60 को एन की जगह 1 लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं 1 टाइम। बताओ क्या आंसर आया 60। बताइए एन डिजिट 0 आई कि नहीं आई, आई, ठीक है। 60 की पावर 2 करते हैं 3600। बताओ एन डिजिट 0 आई कि नहीं आई, आई। 60 की पावर 3 करते हैं 216000। बताइए एन डिजिट 0 आई कि नहीं आई, यहां तो नहीं आ रही थी लेकिन यहां आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उसी की एंड डिजिट जीरो आएगी जिसके फैक्टर में 10 होगा। देख लो 60 के फैक्टर में 6×10 है लेकिन 6 के फैक्टर में 10 नहीं है। तो ये मोटी मोटी बात दिमाग में बिठा लीजिए, उसी की एंड डिजिट जीरो आएगी जिसके फैक्टर में कौन होगा, देखिए किसके फैक्टर में 10 होगा, देखिए देखो 60 के फैक्टर में 10 है तो मैं 60 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करा दे, देखो एन डिजिट 0 आएगी लेकिन 6 के फैक्टर करें तो 10 नहीं है। अगर 6 के फैक्टर में 10 नहीं है तो इसका मतलब आप जितनी मर्जी इसकी पावर खोलते चले जाओ लेकिन एन डिजिट 0 नहीं आएगी। तो फिर क्या रिजल्ट निकला कि कौन फैक्टर होना जरूरी है, 10 फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को करें कैसे। अच्छा एक बात मैं आपको प्लस पॉइंट और बता दूं और इसे नोट कर लीजिएगा, अभी 12 मार्च को ये जो 2020 का बोर्ड का मैथ्स का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया है। अगर आपके पास किसी का कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 4 नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड ने इसी साल 12 मार्च को 10:15 बजे जब पेपर खुला तो 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आया है इसी साल 4 नंबर, ठीक है। तो आइए इसको कैसे करना है अब ये देखिए, ये देखिए ये बात तो पक्की हो गई कि किसकी एंड डिजिट 0 आएगी, उसी की एंड डिजिट 0 आएगी जिसके फैक्टर में कौन होगा, 10 होगा। अगर फैक्टर में 10 नहीं है तो आप जितनी मर्जी पावर एक्सपेंड कर लीजिए एंड डिजिट 0 नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पहले मैं कंसेप्ट लिख रहा हूं कि क्या होना चाहिए, उसने चेक करने को कहा है 4 नंबर कैसे आएंगे। देखिए टू फाइंड आउट एंड डिजिट 0
एनन 6 टू द पावर है। देखो मैंने क्या लिखा, हम चाहते हैं कि 6 की पावर में एंड डिजिट क्या आ जाए, 0 आए। टू फाइंड आउट एंड डिजिट 0 कहां इन 6 टू द पावर है, तो पूछ रहा है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10 मस्ट बी द फैक्टर। कहते हैं ना कि वो एड्रेस है वहां चले जाओ तो मिल जाएगा, यानी कि आपको रास्ता पता होना चाहिए। तो एंड डिजिट 0 लाने के लिए ये बात आप अभी एग्जामिनर को बता रहे हो क्या रहा है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए कि किसी की एंड डिजिट में 0 लाने के लिए कौन फैक्टर होना जरूरी है, 10 मस्ट बी द फैक्टर, दैट इज 6 की पावर एन में समथिंग मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए। ये क्यों बोले, कुछ भी नंबर होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई 10 जरूर होना चाहिए, ठीक है, 6 की पावर एन में ऐसा होना चाहिए। ये जो आपने 3 लाइनों में बताया, ये आपने बताया नियम क्या है, फॉर्मूला क्या है, ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने रास्ता सही पकड़ा है या गलत पकड़ा है, लिखेंगे बट। आइए 6 के फैक्टर करें, 3 × 2, देखो 6 के फैक्टर में आए 3 × 2, क्या 6 के फैक्टर में कहीं 10 आया, नहीं आया, ऐसे आना चाहिए था, समथिंग मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, 3 × 2, ठीक है, तो 6 में तो क्या लिखेंगे, सो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है थ्योरम, फैक्टर निकालने को थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, आपकी ना किताब में ये थ्योरम लिखी हुई है, साइड में पेज नंबर 8 पे लिखी हुई है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने को फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। जैसे मैंने 6 को लिखा 3 × 2, कल मैंने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और उसके खूब सारे फैक्टर बनाए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और फैक्टर ट्री से, तो इसी थ्योरम को अप्लाई करने को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए 6 के फैक्टर में 10 आना चाहिए था, लेकिन हमने एक्चुअल में 6 के फैक्टर करके देखे तो क्या आया, 3 × 2 आया, तो मैंने लिखा बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या लिखूं, वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5 एज द फैक्टर। आप तो कह रहे थे सर, कह रहे हैं बार बार 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और क्या लिख दिया 5, अरे भैया 10 में लिखो 2 तो आ चुका, अगर 8 5 इसमें और आ जाता, सोचिए रुक गया मैं, अगर यहां 8 5 और आ जाता तो 2 × 5 कितना हो जाता, 10 हो जाता, तो किसकी कमी रह गई, 5 की कमी है। देखिए कोई जल्दी नहीं, आराम से देखिए, क्या लिखा मैंने, वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 डज नॉट कंटेन, क्या नहीं है इसमें, 8 5 नहीं है, डज नॉट कंटेन 5 एज द फैक्टर, अगर 8 5 और होता तो ये 2 तो था ही, और 2 × 5 कितना हो जाता, 10, सोचिए, does not contain 5 as the factor, so 6 to the power n, अब जब 5 factor नहीं है तो 2 किससे multiply होगी, 10 बनेगा, इसका मतलब so 6 to the power n can never end with digit, बताओ क्या, 0। देखिए मैं ना आपके सामने हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूं, ये नहीं कि आपको इतना सारा काम दे दिया और अब आप बैठ के कर देना, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूं जिससे एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए और दोबारा इसको आपको रिवीजन में जब आप करें तो आपको अच्छा लगे कि हाँ ये चीज हमें आती है, पीछे की बात याद आए, तो इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ये मत देखिए आए एक क्वेश्चन किया, 2 किए 3 किए 4 किए 5 किए, ये मत देखिए, ये देखिए कि जितना किया उतना पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। फिर देखिए 6 की पावर एन में वो कह रहा है कि अगर मैं एन की जगह नेचुरल नंबर कोई मर्जी पावर लिखकर उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करूं तो एंड डिजिट 0 आएगी, तो हम बता रहे हैं कि एंड डिजिट 0 कब आएगी, कब आएगी, टू फाइंड आउट एंड डिजिट 0 इन 6 टू द पावर एन, 10 मस्ट बी द फैक्टर।
दैट इज ऐसे होना चाहिए था, अभी ऐसा होना चाहिए था, 6 की पावर n में समथिंग मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए था। अब हमने चेक किया ऐसा है कि नहीं, देखा 6 के फैक्टर निकाले 2 × 3 आए, किसकी कमी रह गई, एक 5 अगर और आ जाता तो 2 × 5 कितना हो जाता 10। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 डज नॉट कंटेन, किसकी कमी रह गई 5 एज द फैक्टर, सो 6 टू द पावर n कैन नेवर एनी बी डिजिट। देखिए समझ में आया, अब मैं एक क्वेश्चन और करूं, ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं 4 to the power n, राइट, फिर से लिखूंगा मैं, आप चिंता ना करें, काम को अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, आप भी प्रैक्टिस करिए, चीज को समझिए, नहीं आई व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक है। अब 4 to the power n में जरा 4 की पावर 1 करना, 4 की पावर 1 करना, 4 की पावर 2 करो 16, 4 की पावर 3 करो, बोलो 4 की पावर 3 करो 64, 4 की पावर 4 करो, ऐसे करते 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 क्या एन डिजिट 0 आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। जब एन डिजिट 0 नहीं आ रही है तो अब क्या लिखेंगे, पहले नियम बताएंगे, ये वाली बात दोबारा लिखेंगे, क्या टू फाइंड आउट एंड डिजिट 0 इन 4 to the power n क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10 मस्ट बी द, बोलो क्या फैक्टर, 10 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, आपके एग्जांपल है जैसे आईटी में, बट नहीं, दैट इज जो बात आपने लिखी वो कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए कि समथिंग मल्टीप्लाइड 10 होना चाहिए। अब देखेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, देखिए क्या लिखेंगे, बट 4 to the power n = 2 × 2, 2 दो बार आ रहा है, तो अगर यहां एक 5 भी आ जाता तो बताइए 2 × 5 कितना हो जाता 10, तो क्या लिखें, सो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी फाइंड, क्या है थ्योरम अर्थमेटिक, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, ये फैक्टर निकालने को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने क्या मिला, वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 to the power n डज नॉट, बताओ क्या, कंटेन 5 एज द फैक्टर, बताओ किसकी कमी रह गई, एक 5 की कमी रह गई, देखो 2 बार 2 आ गया, एक 5 और आ जाता ना तो 10 बन जाता, और इसकी पावर 0 जितनी मर्जी पावर करते एंड डिजिट हमेशा क्या आती 0, लेकिन 5 की कमी होने की वजह से इसकी एंड डिजिट 0 नहीं आ सकती, तो क्या लिखूं, 4 to the power n डज नॉट कंटेन 5 एज द फैक्टर, सो 4 to the power n कैन, बोलो क्या, नेवर एंड विद डिजिट 0, इसकी आप जितनी मर्जी पावर कर दीजिए लेकिन कभी भी नहीं आएगी एंड डिजिट 0, कभी भी नहीं आएगी, ये लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है कि नेवर एंड विद डिजिट 0। अब थोड़ा सा समझ में आया, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ये देखिए, अब मैं 6 की पावर n की जगह लिख रहा हूं 125 to the power n, ठीक, चलिए अब मैं बार बार लिखने की बजाय इसी में ठीक कर देता हूं, क्योंकि स्टेटमेंट तो आपके पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, मैं जाना अभी और एक दो पार्ट करूंगा इसको, मुझे अगले क्वेश्चन की जल्दी नहीं है, आप इसे पहले ध्यान से समझिए, 125 to the power n टू फाइंड आउट, अच्छा 125 की पावर 1 करना, 125 ऐसे 125 की पावर 2 करें तो 125 की पावर 2 होती है 25, 144 15625, ठीक है, ऐसे 3 पावर करें, 4 पावर करें, 5 पावर करें, लेकिन एंड डिजिट 0 नहीं आ रही है, एंड डिजिट 0 कब आएगी, आइए चेक करते हैं, बताना पड़ेगा, टू फाइंड आउट एंड डिजिट 0 इन, बताओ क्या लिखूं, इन 125 to the power n क्या होना चाहिए, हमारे पास तो भैया एक ही चाबी है कि 10 फैक्टर होना जरूरी है, मस्ट शब्द यूज किया मैंने, मस्ट शब्द, 10 मस्ट बी द फैक्टर, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, 6 नहीं, अब क्या आएगा 125, ये देखिए क्या होना चाहिए, इसके फैक्टर में समथिंग मल्टीप्लाई 10 होना जरूरी है, आइए देखते हैं, बट
क्या 125 में बताओ 5 कितनी बार आ रहा है? कितनी बार आ रहा है 5? 3 बार, 5 × 5 × 5। क्या क्या 10 आ रहा है? नहीं आ रहा। अब जरा ध्यान से, by using fundamental theorem of arithmetic we find prime factors of क्या लिखूं 125, बोलो, does not contain क्या 5 ऐसा फैक्टर? 5 तो है, बताओ 10 लाने में किसकी कमी रह गई? सोचो, 2 की कमी रह गई। बिल्कुल, आप कुछ बच्चे ठीक सोच रहे हैं। तो क्या लिखो यहाँ? अब रटना नहीं है कि हमेशा 5 की कमी होगी, क्या पता 2 की कमी हो जाए। देखो इतने सारे 5 आ गए, देखो यहाँ 2 इतने सारे आ गए लेकिन एक 5 नहीं आया, यहाँ 5 इतने सारे आ गए लेकिन क्या नहीं आया, एक 2 नहीं आया। तो क्या लिखो? We find the prime factors of 125 does not contain 2 as the factor। एक 2 की कम, एक भी 2 आया था ना, एक भी 2, तो 2 5 का 10 हो जाता, और 10 जिसका फैक्टर होगा उसकी जितनी मर्जी पावर आप खोल लीजिए हमेशा एंडिंग क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, तो does not contain 2 as the factor, so 125 to the power n can never end with the digit 0। ठीक है, आया समझ में? थोड़ा सा और करते हैं, चलिए और करते हैं। इसे लिखते हैं 121। अब जरा ध्यान से समझना, 121, जरा 121 को 1 बार बोलो, 121 दो बार बोलो तो कुछ और आएगा, 3 बार बोलो तो कुछ और आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो टू फाइंड आउट ए डिजिट 0 इन, क्या लिखो, इन 121 टू द पावर एन क्या होना चाहिए? 10 मस्ट बी द फैक्टर। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए? पहले नियम बता रहे हैं क्या होना चाहिए कि 121 के फैक्टर में समथिंग मल्टीप्लाई 10 जरूर होना चाहिए। ठीक है, बट अब देख रहे हैं ऐसा है कि नहीं, जरा चेक करो। 121 तो 11 × 11 होता है, बताइए 11 × 11 होता है कि नहीं होता? तो 11 × 11। ठीक, तो क्या 121 के फैक्टर में 10 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या लिखो? By using fundamental theorem of arithmetic, we find the prime factors of 121 to the power n, क्या लिखूं? Does not contain, बताओ क्या लिखूं? ना 5 आया ना 2 आया। जब 5 आया था तो 2 की कमी रह गई, ठीक है, और जब यहां 2 आए थे तो किसकी कमी रह गई? 5 की कमी रह गई। अब तो ना 2 है ना 5 है, यानी कि does not contain, क्या लिखो? does not contain 10 as the factor। ये देखिए, does not contain 10 as the factor, so 125 to the power n can never end with digit 0। तो आपने क्या किया? 6 में किया 2 और 3 से 5 की कमी थी, 4 वाला किया 2 था 5 की कमी थी, 125 वाला किया 5 था फिर 2 की कमी थी। ठीक है, और फिर आपने 121 वाला किया जिसमें 11 है, इसमें तो पूरा का पूरा 10 ही नहीं है, ना 2 नहीं है 5 भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? does not contain 10 as the factor, so 125 to the power n can never, sorry 121 to the power n can never end with digit 0। थोड़ा सा समझ में आया कि किसकी एंड डिजिट 0 आएगी? जिसका फैक्टर कौन होगा? 10 होगा। ऐसा होना चाहिए, इस लाइन में चेक किया, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा, तो किसकी कमी रह गई है, और अगर ऐसा है कि उसकी कमी रह गई है तो इसका मतलब इसकी एंड डिजिट कभी 0 नहीं आएगी। तो अब आपकी बुक में तो खाली एक क्वेश्चन था, फिर एक एग्जांपल था, हमने दो एक्स्ट्रा आपको और करा दिए, तो ये सारे क्वेश्चन आप करिए, यानी कि आप एक खाली एक पार्ट कर लें, ये सारे डिजिट्स वाले क्वेश्चन आप करिए, जिससे क्या होगा, आपको ये स्टेटमेंट बार बार लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और जब कोई चीज बार बार लिखने से अच्छे से समझ में आ जाती है तो पक्का हो जाती है, फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आती है। ठीक, तो चले आगे, या इतना ही अभी रिवीजन करना है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, मैं डॉम्स को समझ में आ गया, बता दीजिएगा व्हाट्सएप करके, कोई चीज पूछनी होगी तो बता दीजिएगा। चलिए मैं मिटो डॉम्स को, क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई, इसका मतलब हुआ कि ये कंपोजिट तो है,
ये कंपोजिट तो है लेकिन कह रहा है इसे एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट क्यों है। ठीक है, अच्छा कौन से होते हैं कंपोजिट जो किसी ना किसी से जरूर कटते हैं? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। दो से ज्यादा, जिनके दो होंगे वो कौन सा होंगे? प्राइम, कल पढ़ा था। जिनके दो से ज्यादा होंगे वो कौन होंगे? कंपोजिट। अब ये चेक करना है कि नंबर कंपोजिट है या नहीं है। अब जरा सोचिए इनमें कुछ डिजिट गलत हो गई है। 7 × 11 × 13 यहां 13 है। चलिए कुछ कॉमन है तो बताइए, इधर भी और इधर भी देखिए 13 कॉमन है, तो मैंने 13 कॉमन ले लिया। जब इन तीनों में से 13 बाहर आ गया तो क्या बचा? 7 × 11, 13 बाहर आ गया तो क्या बचा? 1। ये देखिए भाई, अगर ये कॉमन आ जाएगा प्लस के बाद और यहां कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे? 1। तो 13 × क्या हो गया? 77 + 1, तो 13 × 78। 78 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 8 = 4, 1014। ठीक है, मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा तो गलत होगा, ठीक कर लेना। अब देखिए क्या किया सबसे पहले, क्वेश्चन बता रहा, ये बताना है कि ये पूरा क्वेश्चन कंपोजिट है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में 13 कॉमन ले लिया, यहां से बचा 7 × 11 और यहां से बचा 1, मल्टीप्लाई करी प्लस करते करते गया, राइट। अब 1014 का नेचर बता रहा है, बताइए 1014 किसी से कटता है? 13 से कटता है, क्या आएगा? 78 से कटता है, क्या आएगा? 13। 78 जिस नंबर से कटता होगा उस हर नंबर से 1014 कटेगा। देखो 3 से कटता है, 4 + 1 + 5 + 1 = 6, तो जब ये तीनों का सम 6 से कटता है तो ये 2 से कटता है। आप देखते हैं 1014 तो बहुत सारे नंबरों से कटता है, इसका मतलब 1014 क्या हुआ? कंपोजिट हुआ। तो अगर इसके आंसर का नेचर कंपोजिट है तो इसका क्वेश्चन भी क्या होगा? कंपोजिट ही होगा। क्या लिखूं? सिंस 1014 हैव मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, फिर सुन लीजिए, जिसके दो फैक्टर होंगे वो प्राइम होगा, लेकिन जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोज। अब मुझे कैसे पता ये कंपोज जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है? अरे भैया 13 से काटो तो 78 आ रहा, 78 से काटो 13 नहीं आ रहा। ये खुद भी अपने नंबर से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो जो 1014 के दो से ज्यादा फैक्टर है तो 1014 क्या हुआ? इज ए कंपोजिट नंबर। और ये बात याद रखिएगा, जो नेचर आंसर का होगा वही नेचर किसका होगा? क्वेश्चन का होगा। अगर इस क्वेश्चन के आंसर का नेचर कंपोजिट है तो क्या लिखूं? देयरफॉर 7 × 11 × 13 + 13 इज, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आल्सो ए कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट तो था लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? एक्सप्लेन करना था। देखिए कॉमन लिया, यहां से बचा, यहां से वन बचा, सॉल्व करते 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 जो आंसर आया उस आंसर का नेचर चेक किया, उसके दो से ज्यादा फैक्टर है। अगर इसके दो से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट हुआ। तो जिस क्वेश्चन का ये आंसर है, अगर आंसर कंपोजिट है ये बात बतानी पड़ेगी, तो क्वेश्चन भी क्या होगा? कंपोजिट होगा। इसी का नाम एक्सप्लेनेशन है, उसने आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट अपने आप करिएगा और नहीं होगा तो व्हाट्सएप करिएगा। ठीक, इसका सेकंड पार्ट अपने आप करना, बिल्कुल ही ऐसे हैं। ये तीन लाइनें जरूर लिखनी है, बस यहां खाली यस नो लिखकर नहीं छोड़ना है, एक्सप्लेन करने को कहा तो एक्सप्लेन ही करना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and same
पॉइंट सेम टाइम सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ आया समझ? तो बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है कि एक ग्राउंड गोल सर्कुलर पार्ट में, ठीक है, एक ग्राउंड सर्कुलर पार्ट में बना हुआ है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है। सोनिया ने एक पॉइंट से चलना शुरू किया, उस पूरे चक्कर को लगाने में उसे 18 मिनट लग गए। वही पूरा चक्कर रवि ने 12 मिनट में लगा लिया। इसका मतलब रवि की स्पीड ज्यादा है। कह रहे हैं कि दोनों ने एक ही जगह से एक साथ चलना शुरू किया, लेकिन रवि की स्पीड ज्यादा थी, वो जल्दी पहुंच गया। कह रहा है कि ऐसे कितने चक्कर लगाए कि कितने चक्कर के बाद वो एक दूसरे को उसी जगह दोबारा मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सिंस बोथ सोनिया एंड रवि स्टार्ट एट सेम पॉइंट सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन इज द डायरेक्शन। सो टू फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। वी हैव टू टेक द डैश, वही बताऊंगा क्या है, ऑफ कौन कौन सी दो डिजिट्स हैं 18 एंड 12। अब मुझे इन दोनों का या तो एलसीएम लेना पड़ेगा या यहाँ एससीएफ लेना पड़ेगा। अब रटी हुई बात तो आपके समझ में नहीं आएगी कि एलसीएम क्यों लिया और एससीएफ क्यों लिया। तो अगर दोनों ने एक ही जगह से चलना शुरू किया, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही पॉइंट से चल रहे हैं और एक ही समय पर चल रहे हैं, तो ये बात मैंने पहले लिखी, उसकी कंडीशन लिखी। कंडीशन क्या है कि दोनों ने एक ही जगह से एक ही समय एक ही साथ चलना शुरू किया। तो अब मुझे निकालना है टू फाइंड आउट द टाइम After which they will meet again at the starting point. वो दोबारा starting point पर आकर कब मिलेंगे? तो we have to take the. अब मुझे यहाँ पर या तो लेना पड़ेगा HCF या लेना पड़ेगा LCM. अगर मैंने लिख दिया यहाँ HCF तो आपको भी LCM के लिए लिया, और अगर मैंने लिख दिया यहाँ LCM तो आपको भी HCF के लिए लिया। इसलिए मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ और जो meaningful होगा वो हमारा आंसर होगा और जो meaningless होगा उसे हम छोड़ देंगे। चलिए आइए 18 और 12 चलिए पहले एससीएफ ले लेते हैं। एससीएफ में कल क्या बताया था याद करिए, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी और कल का वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको नए तरीके से एससीएफ निकालना आ गया। कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए इसमें से कौन सा है, पावर पावर अभी बाद में, पहले कॉमन नंबर निकाल लीजिए। देखिए दोनों में 3 भी है और दोनों में 2 भी है। नाम है हाईएस्ट, मैंने आपको बताया था नाम से उल्टा काम करना है, नाम है हाईएस्ट लेकिन पावर के लेनी है लोएस्ट। तो बताइए 3 की यहाँ 2 पावर है या 1, तो लोएस्ट पावर 1 हुई। 2 की यहाँ 1 पावर है या 2, तो लोएस्ट पावर 1 हुई। क्या आ गया 6 आ गया। ठीक, अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में तो कोई नंबर छोड़ना ही नहीं है, 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, लेकिन नाम है लोएस्ट लेकिन पावर क्या लेनी है हाईएस्ट। तो बताइए 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है। यहाँ 1 थी या 2 थी तो 2 हाईएस्ट है, मिलाना नहीं है अलग अलग देखना है। यहाँ 2 पावर है 1 तो 2 पावर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, क्या हो गया 36। अब जरा सोच के देखिए इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। अब एक काम करते हैं, एक चक्कर में लगे सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को एक चक्कर में 18 मिनट लगे, ठीक है। तो अगर मैं ये पता लगाऊं कि दो चक्कर में उसे कितने मिनट लगेंगे 36 मिनट, तो कैसे पता लगाया, इस 36 को इस 18 से डिवाइड कर दो। अब मैं रफ वर्क कर रहा हूं, 36 को जरा 18 से डिवाइड कर दो। मान लिया मैंने कहा कि मान लिया टोटल 36 मिनट लगे, तो 18 से डिवाइड कर दो, बोलो क्या आया, 2 आया।
यानी कि अगर एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है तो 36 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? दो। अब इस टोटल टाइम को किससे डिवाइड कर दो? 12 से। इसका क्या मतलब हुआ कि रवि ने अगर एक चक्कर में 3 मिनट 12 मिनट लिए तो 36 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया तो रवि ने 3 चक्कर लगाए, राइट। अब जरा एलसीएफ पर आते हैं, बताइए एलसीएफ क्या था? 6। जैसे मैंने एलसीएम ऊपर रखा था और 18 से डिवाइड किया था, अब मैं 6 को ऊपर रख रहा हूं। देखिए 6 को ऊपर रख रहा हूं, 6 को, जैसे 36 ऊपर रखा था ना ऐसे 6 को, और किससे डिवाइड कर रहा हूं? 18 से। क्या आया? 1/3। अब मैं 6 को ऊपर रख रहा हूं और किससे डिवाइड कर रहा हूं? 12 से। क्या आया? 1/2। अब बच्चों को कहो ना कि 6 को 18 से डिवाइड करो, बच्चे कहते हैं 3। 18 को 6 से नहीं, 6 को 18 से, क्योंकि एचसीएफ 6 है, एलसीएम 36 था, तो 36 ऊपर आया और इन दोनों के एक एक चक्कर के डिस्टेंस टाइम से डिवाइड किया। अभी 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 6 आया तो 6 को। अब जरा बताओ अगर 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आया, तो 1/3 का मतलब हुआ कि सोनिया ने 1/3 चक्कर लगाया। सोनिया ने 1/3 चक्कर लगाया, 1/3 का मतलब हुआ कि एक भी चक्कर पूरा नहीं हुआ। अब अगर एक भी चक्कर सोनिया पूरा नहीं करेगी तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कैसे पहुंचेगी? इसका मतलब क्या हुआ? हाफ। इसका मतलब रवि ने आधा चक्कर लगाया, और अगर रवि आधा चक्कर लगाएगा तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर कैसे पहुंचेगा? ठीक है, अब मैं एलसीएम का मीनिंग निकालता हूं। 36 जो एलसीएम आया था उसको 18 से डिवाइड किया, 2 आया। 36 को 12 से डिवाइड किया, 3 आया। यानी कि जितने समय में सोनिया ने दो चक्कर लगाए, देखो दो चक्कर लगाए, उतने समय में रवि ने कितने चक्कर लगाए? 3 लगाए। तो अब ये 2 और 3 का तो कहानी समझ में आती है कि कम से कम राउंड तो पूरा करा, ठीक। लेकिन 1/3 और 1/2 का मतलब हुआ कि एक भी चक्कर पूरा नहीं हुआ। अब सोचिए देखिए अगर एक भी चक्कर पूरा नहीं हुआ तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कैसे पहुंचे? तो ये हमारा जो एचसीएफ है ये गलत हो गया, एचसीएफ मीनिंग लेस हो गया। तो मुझे क्या निकालना? आपने निकाल के नहीं काटना, आपने निकालना ही नहीं है, तो मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक। तो मैं लिखूंगा टू फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू टेक द, बोलो क्या आएगा यहां? यहां आएगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अगर मैं 18 और 12 का एलसीएम ले लूंगा तो 36 आया, तो क्या आंसर लिखूंगा? सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए 36 मीनिंग फुल है लेकिन 6 मीनिंग लेस है। 6 लेने से एक भी चक्कर पूरा नहीं हो रहा और 36 लेने से सोनिया के 2 चक्कर पूरे हो रहे हैं और रवि के 3। इसका मतलब 2 चक्कर सोनिया लगाए, रवि उसने ऐसा समय में 3 चक्कर लगाए, तो जहां से ये चले थे वहीं आकर एक दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, एक ही साथ देखिए, अलग अलग उसको तोड़ तोड़ के मत देखिए, और जब समझ में आ जाए तो कॉपी उठाइए और ये सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपको खाली 6 की पावर एड करना, 121 भी करिए, जैसे बार बार स्टेटमेंट आपको लिखना है 125 भी करिए, 4 भी करिए, सब क्वेश्चंस करिए। अब जब ये वीडियो आपके पास आएगी तो आपको चैप्टर की शीट भी आएगी, जो चैप्टर 2 हम आपको करा चुके उसके हमने शीट तैयार कर लिए, वो हम आपको भेजेंगे, उसे करिएगा, उसके आंसर भी सामने लिखेंगे, सॉल्यूशन आपको करने हैं और फिर देखेंगे आपसे कितने क्वेश्चन हुए कितने नहीं हुए। इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और कुछ समझ में ना आया हो तो हमें व्हाट्सएप करिए, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।